Welcome everyone. क्या कर रहे हैं अभी हम लोग वी आर ऑलरेडी रेड एंड हैव ऑलरेडी डन द एंड द एक्टिविटी पेजेस इन वर्क व्हाट कम्स नेक्स्ट नाउ राइमिंग आते हैं तो आज से हम लोग शुरू करेंगे rhyming words -ई के आपके नोटबुक में तो वो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको आज हम लोग आपके टू फ्रेंड्स को विश कर रहे हैं। फर्स्ट आदित्य को विश करेंगे और उसके साथ में वानी को विश करेंगे। आज आदित्य की बर्थडे है और वानी की बर्थडे संडे को आती है तो सैटरडे संडे को तो हम लोग मिलते नहीं है वीडियोस तो हम भेजते नहीं है इसीलिए वानी को हम लोग एडवांस में विश करेंगे चलो करते हैं Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aditya and Vani. Happy birthday to you. Happy birthday, both of you. May God bless you and you enjoy your day. Kids, now let's start the studies. Students, open your notebook. Today we will do rhyming words of vowel E. In it. First of all, we will give the heading Capital R H Y M I N G rhyming words W O R Ds rhyming words First word we will write is the Anna den den da draw. Four blanks, two on the same line and two on the next line. So what are the rhyming words of the and Dan? Ending sound क्या आ रहा है Anna? तो दूसरे मैंने कौन से word सिखाए हैं Anna words? कौन सा word होता है Cock और Hen हा Anna Hand. और नाइन के बाद क्या आता है वॉट कम्स आफ्टर नाइन ट एन टेन तो ड एन टेन के राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे हम लोग ह एन नीचे एक बार फिर से लिख लो प्रैक्टिस के लिए एंड ट ए next word is na a do draw फोर ब्लैंक्स वन टू थ्री एंड फोर ओके कौन सा वर्ड लिखवाया मैंने न ए ट वॉट इज द एंडिंग साउंड इट इज ए ट तो कौन से दूसरे एट वर्ड हमने सीखे हुए हैं किसी के घर पे कोई एनिमल रखता है तो वो एनिमल को क्या कहते हैं पैट एनिमल प एट अ पैट एनिमल और भीग जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं व एट अ वेट तो वी विल राइट डाउन प एट अ पैट फिर से लिखेंगे प एट पैट एंड व एट वेट ओके न एट नेट के राइमिंग वर्ड्स हुए प एट पैट एंड व एट अ ये राइमिंग क्यों हुए क्योंकि उनका एंडिंग साउंड देखो एट यहां पे भी एट और यहां पे भी एट सेम आ रहा है इसलिए वो रायम होते हैं नेक्स्ट इज बैग ब एग ब एग बैग मीन्स वॉट जो पुअर पीपल जो बैगर्स करते हैं बैगिंग उसको बोलते हैं ब एग बैग हमारे क्या होते हैं टू हैंड्स एंड टू लेग्स तो ल एग लेग इज अ राइमिंग वर्ड ऑफ ब एग बैग तो फर्स्ट मैं लिखूंगी ब एग बैग का राइमिंग वर्ड ल एग गैग और दूसरा हम लोग लिखेंगे हम लोग जब कपड़े मम्मा जब कपड़े सुखाती है तो वो उड़ ना जाए उस पे, इस इसपे ऊपर क्या लगाती है पिन लगाते तो वो पिन को क्या बोलते हैं प ए ग पैग a g bag पैग a g bag पैग a एग पैग, -पैग।, -पैग। इसीलिए मैंने ये थ्री टाइम्स रिपीट किया क्योंकि आगे जाके हर एक स्पेलिंग में टीचर ऐसे स्ट्रेच करके ये अभी आप छोटे हो तो टीचर ऐसे स्ट्रेच करके बोल दिए फिर आपको खुद को पता चलना चाहिए कि साउंड स्ट्रेच हो रहा है या फिर एकदम लो साउंड है तो वो कौन सा वोवेल आना चाहिए ए आना चाहिए या फिर ई आना चाहिए ओके और लास्ट है वोवेल ई का वर्ड ब पे हम लोग सोते हैं वो वाला बेड उसके राइमिंग वर्ड्स क्या आएंगे दूसरे एडर वर्ड्स कौन से कौन से थे जो हमने सीखे थे एप्पल इज व्हिच कलर र रेड र ए डेड रेड र ए ड रेड और फीड वर्ड का खिलाने का पास्ट टेंस क्या होता है फॉर एड फेड फ ए ड फेड।, फेड ओके केट्स? सो यहाँ पे हमारे राइमिंग वर्ड्स खत्म हुए मैं और दूसरे टीचर सारे टीचर्स आपको जो भी करवाते हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है बाय